अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दुनिया के सामने इसराइल को नसीहत दी है। नसीहत ये कि इसराइल को गजा में निर्दोष लोगों की मौत की घटनाओं पर और ध्यान देना चाहिए। बाइडेन ने यहां तक कह दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के तरीके से इसराइल की मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई के अधिकार पर समर्थन भी जताया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर नेतन्याहू ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने रवैये पर बने रहेंगे। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बाइडेन की नसीहत महज दिखावा है। ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि बाइडेन पहले भी इसराइल को नसीहत दे चुके हैं, मगर इसराइल पहले की तरह ही अपने अभियान में जुटा है। गजा से लगातार इजरायली हमलों में आम लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए इस सवाल के बीच आपको बता देते हैं कि बाइडेन ने और क्या क्या कहा है। तो बाइडेन ने रमजान के मौके पर दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को बधाई भी दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये पवित्र महीना चिंतन और फिर से शुरू करने का समय है। इस साल ये महीना काफी पीड़ादायक समय में आया है। गजा में युद्ध ने फिलिस्तीनी लोगों को भयानक पीड़ा पहुंचाई है। इस युद्ध में 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं। इनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। कुछ अमेरिकी मुसलमानों के परिवार के सदस्य हैं जो आज अपने प्रियजन के जाने के शोक में डूबे हैं। इसके साथ ही बाइडेन ने गजा में युद्ध विराम की कोशिशों पर बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका बंदूकों की रिहाई संबंधी समझौते के तहत कम से कम 6 हफ्ते के लिए तत्काल युद्ध विराम करने के लिए काम करना जारी रखेगा। हम स्थिरता, सुरक्षा और शांति के दीर्घकालिक भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। इसमें ये सुनिश्चित करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान शामिल है कि फिलिस्तीन और इसराइल के लोगों को समान स्वतंत्रता, समान सुरक्षा और समृद्धि मिले। स्थायी शांति की ओर यही एकमात्र रास्ता है। बाइडेन कई महीनों से कहते आए हैं कि इसराइल गजा में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खो सकता है। बाइडेन ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि नेतन्याहू गजा में हमास के खिलाफ अपने युद्ध के तरीके से इसराइल की मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या गजा के रफा में इसराइली हमला नेतन्याहू के साथ उनके लिए रेड लाइन होगी, इस पर बाइडेन ने कहा, ये रेड लाइन है, लेकिन मैं कभी इसराइल का साथ छोड़ने नहीं जा रहा। इसराइल की सुरक्षा का मामला अब भी गंभीर है। उधर एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजरायली सुरक्षा बल रफा में आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ, हम वहां जाएंगे। वहीं नेतन्याहू ने बाइडेन के बयान पर कहा, मुझे नहीं पता कि असल में उनका क्या मतलब है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर बाइडेन का मतलब ये था कि वो इसराइल की इच्छाओं या हितों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो दोनों ही मामलों में गलत थे। मतलब साफ है कि इसराइल फिलहाल किसी नसीहत को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं दिख रहा।